अजीब, शीरे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गरम गरम पूरियों के साथ शीरा खाएंगे, बहुत मजा आएगा। पता नहीं मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। आजी आजी होती है और पोती पोती होती है। माना कि तू प्रोफेशनल शेफ है, लेकिन ये कुकिंग क्लास की कुल गुरु है कि नहीं? ये तो सही कहा आपने, शी इज माय मेंटर। कितना सीखा मैंने इनसे। अच्छा, मुझसे क्या सीखा? आजी आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या क्या? ये वड़ा पाव के इतने सारे स्टॉल्स नए नए जो आपने मुझे बताया, और सबसे ज्यादा मजेदार तो है वो झगड़ा पानी भरने के टाइम, आपका यूनिक स्टाइल का झगड़ा, उसमें तो बड़ा मजा आता है। मैंने सब कुछ सीख लिया, अभी मीना की सीखने की बारी है। तेजू का हिस्सा 10%। नहीं नहीं, तेजू तो घर की बेटी है, अकेली है, शादी भी नहीं हुई उसकी, उसे ज्यादा हिस्सा दिया जाए। 25%? अरे नहीं, इतना नहीं, आई थिंक 20% ठीक है। तेजू हो गई, अब पूर्वी। पूर्वी को 15%। उसे 15% देने की क्या जरूरत है, अर्जुन जैसा अमीर पति है, खुद का बिजनेस है। आई थिंक 10 विल बी एनफ। अब ओवी, वो इतने सालों बाद मिली है, उसे भी 25%। सोहम को, वो तो आई बाबा का लाडला बेटा है, उससे तो 25% देंगे ही। मतलब 20+10+25+25, 80% तो यही हो गया। बाकी बचे लोगों को क्या मिलेगा? पिया, परी, सोहम के बच्चे और मेरे बच्चे। मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? क्या है? ए! क्या कर रही है तू? ये क्या आटा गूंद रही है, क्या आटे का सूप बना रही है तू? ठीक से आटा गूंदना भी नहीं आता तुझे? ओ पिया देख, इतनी छोटी है कैसे अच्छे से काम करती है, देख पुरिया तल रही है, देख जरा। आई हाथ चिपक रहे हैं। नीना, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं और पिया मैनेज कर लेंगे, जाओ तुम। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठ, ठीक से आटा गूंद और बाद में जा। आई उसे जाने दीजिए ना, वो सुबह से काम कर रही है, थक गई है बेचारी, और वैसे भी उसे तैयार होना होगा, सब लोग आते ही होंगे अभी, उसे जाने दीजिए, मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगी। काम चोर है, एक नंबर की काम चोर। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं खाना कैसे बनाऊंगा, इतने सारे लोग आने वाले हैं, बस अंकिता के घर वालों को सब चीजें पसंद आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्चना, तेरे हाथ का खाना खा के कोई तेरी तारीफ ना करे, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। अभी देख, अंकिता सिर्फ तेरे जैसी दिखती नहीं, गुणों से भी तेरे जैसी है। अभी तू देखना, वो आएगी, तेरी खाने की तारीफ करेगी, देखना तू। ऐसे ही हुआ है, सबको अच्छा लगे बस। सब कुछ तैयार हो गया, दाल चावल लौकी की सब्जी और सलाद तैयार है, और पूरन पोई बन गई, सब कुछ बन गया, इसे नीचे पहुंचा देती हूँ। गौरव, पुष्टि, इधर आओ। लाइए, मैं ले जाती हूँ। मानसी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें, तुम थोड़ी ना सब कुछ करोगी, तुम तो मेहमान हो आज हमारे, ये सब कुछ नहीं करना है तुम्हें। आजी, अब अंकिता ताई को अपनी बेटी मानती है ना, तो उस रिश्ते से मैं आपकी कौन हुई? बेटी। और बेटियों से मदद मांगने में कोई हिचक नहीं करते। मैं ले जाती हूँ। मान प्रणव, प्रशांत, ये लेकर जाओ नीचे। करती हूं। अरे रुको, कुछ और सामान ले जाओ। गौरव, चलिए लेकर जा। आजी, ये सब कर रहे हैं ना,
ये काम इन चौल वालों को ही सूट करता। ये क्या कह रहा है तू? कुछ भी बोल रहा है गौरव। आज तूने कह दिया, लेकिन अगली बार से अगर तूने कहा ना तो याद रखना मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। ये लेके जा। मानसी, तुमने तुम्हारे बाबा को बता दिया ना आना है आज? नहीं जाना घर। बाबा आराम से। दादा आनंद निवास चलना थाना। हेलो शशांक, हम बोलिए। हाँ मानसी, मिल गए बाबा। हाँ मैं उनको लेकर आ रहा हूँ घर। थैंक गॉड बाबा मिल गए। अभी अर्चना जी उन्हीं के बारे में पूछ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया उनको क्या बोलूं। मैं अभी उन्हीं के घर पर हूँ। अच्छा शशांक, अब जैसे ही चौल में आए ना वैसे ही मुझे कॉल कीजिएगा। अब मानसी, बाबा ने बहुत पी ली है, वो होश में नहीं है, चल भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। पता नहीं अभी इस हाल में उनको कैसे ले जाएंगे डिनर पर। एनीवे मैं वहां आता हूँ, फिर बात करते हैं ठीक है। मानसी फोन करके देखना वो लोग आए क्यों नहीं अब तक। जी। अरे डुप्लीकेट राजी, दिल से आवाज दीजिए, फोन की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही आ जाएंगे है ना। रुको रुको क्या? एक सेकंड रुको। वो थाल लेकर आना आरती की। वाओ मेरे फेवरेट लड्डू है। अभी नहीं। क्या अंदर आइए। नमस्ते सुनंद जी, आप कंफर्टेबल तो है ना? एक्चुअली हम लोग का घर छोटा है ना, तो इसलिए हमने पंडाल में डिनर का बंदोबस्त किया है। प्लीज सॉरी म्हणायची काही गरज नाही। आणि खरं सांगायचं तर सगळ्या अरेंजमेंट्स खूप छान झाले। और सच बताऊं, मैं लोगों के घर नहीं उनके दिल देखती हूं, और आपका दिल बहुत बड़ा है। नरेन के आई बाबा नहीं आए? वो एक्चुअली वो आना चाहते थे, पर रुशाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई और शिरीष काम के सिलसिले में बाहर गांव चला गया, इसलिए नहीं आए। कोई बात, आप लोग प्लीज अंदर आइए। आइए ना, चलो। आइए ना। ताई कहते हैं अच्छे माँ बाप सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, पर मुझे लगता है हमने तो बहुत पुण्य के काम किए होंगे। देखना हमें इतना प्यार इतना अपनापन मिल रहा है, वरना इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी उन्होंने हमें कैसे अपना लिया है ना।
चलता है। मनु, दुनिया में सबको वो सब नहीं मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, और तुम सब बच्चे इतने प्यारे हो ना कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, खुद तुमसे आकर मिले और तुम्हें अपने घर बुलाए। पुष्टि, गौरव, मानसिक, सोनू, इतने सारे सारे साली होंगे मेरे, मजा रहे, मेरे इन-लॉज की तादाद तो बढ़ती जाएगी। वेरी गुड, है ना? लेकिन कोई तो मिसिंग है। कौन मिसिंग है? कौन नरेंद्र सर? कोई तो मिसिंग लग रहा है मुझे, कोई तो मिसिंग है। कौन मिसिंग है? नहीं नहीं, कोई मिसिंग है शायद। एक्चुअली परी अभी आती होगी और पिया किसी काम से बाहर गई है। हाँ, परी एंड पिया, लेकिन कोई और भी मिसिंग लग रहा है मुझे। इट्स ओके। बाबा, बाबा, बाबा नहीं है ना तुम्हारे? अरे मेरे ससुर जी नहीं है, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। नरेंद्र सर, नरेंद्र सर, वो शशांक के साथ आ रहे हैं। चलो आ रहे हैं। अच्छा एवरीबॉडी, दिस इज चुचुंदरी। आई मीन किंदरी, ये मेरी मेरे छोटा भाई है रौनक की वाइफ। से हेलो। आप लोग जब चले गए थे सब कनाडा, तब रौनक की शादी हुई थी पीछे से, इसलिए आप लोग आ नहीं पाए। तुम नरेन के वही नहीं हो? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वैसे रौनक कहाँ है? वो लेट आ रहा है क्या? डेलिबरेटली सब रौनक के बारे में क्यों पूछ रहे? इस तरह से मेरी इंसल्ट कितने? शांत हो, कैसी बातें कर रही हो? ये सब लोग अभी अभी कनाडा से आए, जब रौनक का केस चल रहा था तब ये लोग यहाँ थे भी नहीं, ये रौनक के बारे में कुछ नहीं जानते। शांत हो जरा। अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें पंडाल में ढूंढ रहे। वो मैं ये चांदी के सिक्के लेने आई थी। मैंने क्या बात है, कुछ कम रह गया? वो खाना में तो सचिन से कहकर मंगा लेते। मानव, मुझे पता नहीं क्यों नीचे वो किन्नरी है ना, मुझे थोड़ा अजीब लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे अंकिता के घर वाले और उसके ससुराल वालों के बीच कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है। देखो अर्चना, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, नरेन उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन दोनों परिवार के फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से, मेरा मतलब है नरेन अमीर घर का है और अंकिता गरीब घर की है, हो सकता है कि दोनों परिवारों में इस बात को लेकर कुछ हुआ होगा। और अगर तुम देखो तो अंकिता नरेन और सुनंदा जी के साथ कितनी खुश है, कितनी जमती है तीनों के बीच। अंकिता का पति इतना अच्छा है, उसकी सास उसे इतना प्यार करती है, और क्या चाहिए? और अर्चना, हर घर में छोटी मोटी अनबन तो होती ही रहती है, पर अंकिता बहुत समझदार लड़की है, आई एम श्योर वो इतना सब कुछ तो हैंडल ही कर लेगी। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर हूं। चले। ये लो, बहुत टेस्टी है, पियो, ठंडा एकदम। यहाँ बैठे बैठे ऐसे किसका वेट कर रही हो? मेरी फ्रेंड का।
कौन फ्रेंड? परी। हाँ वो गेस्ट ऑफ ऑनर। ऐसी है वो, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगी। फिर तो मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ तुम अच्छी लगती हो और तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा। उसको दूर से बाय बोल देना मेरा। सब वो बहुत अच्छी लड़की है, आपको मिलकर उसको बहुत अच्छा लगेगा। होगी, लेकिन मुझे नहीं मिलना उसको। एक बार मिले फिर मैं देखती हूँ आपको अच्छी लगती है कि नहीं। देख लीजिए, अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है, अब है कहाँ तुम्हारी स्पेशल फ्रेंड गेस्ट ऑफ ऑनर पिन पर वाली परी? मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं आई, क्यों नहीं? वाओ, मेरे पास भी ऐसा ही स्नोबॉल है। आपने कहाँ से लिया? एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था ये। एक्चुअली मुझे भी। हाना एक्सक्यूज मी, आई विल स्पीक टू यू। अमन अभी नहीं, थैंक यू। हाना सुनो, अमन एक तो इतना रश है यहाँ पे, ऊपर से फाइनेंस आप भी नहीं है, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड, एक मिनट। छोटा सा गिफ्ट लेके आया। नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। सॉरी, तुम्हें इतनी देर वेट करना पड़ा। तुम थक गई होगी। शुड आई गेट यू समथिंग नाउ? नो बाबा, आई एम ओके। आप बताओ तुम्हें क्या काम था? अपनी आंखें बंद करो। बट एक्चुअली बस अब खोल लो। ये क्या है? स्मॉल गिफ्ट फॉर माय प्रीटी हाना। खोल के देखो। Wow, it's beautiful. Hello? Aman, I'm so sorry. तुम्हें पूरा दिन रुकना पड़ा। अरे पर return gift इतना अच्छा हो तो I don't mind waiting for even longer. Return gift? हाँ। मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारी ये beautiful smile, it's like the best gift. अच्छा तुम्हें पता है इसके बारे में एक special बात है। क्या? Try and find out. ध्यान से देखो। ओके, टर्न इट अराउंड। अराउंड? या। आर यू ओके? या, आई एम फाइन। ओ गॉड, परफ्यूम लगाना तो भूल गई। थैंक गॉड, इस पूरी फैमिली में कम से कम एक औरत है जो मेरे स्टैंडर्ड की लग रही है। ऐसे तो दिखने में एवरेज है, लेकिन ड्रेसअप अच्छा किया है। हाय हाय, वैसे आपकी इयररिंग्स बहुत प्रिटी है, कहाँ से खरीदे ये? एक्चुअली कनाडा से, मेरी एक फ्रेंड है डॉली, उसने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया है। इट्स लिमिटेड एडिशन। ओ वैसे आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी? थैंक यू सो मच। यू नो मेरी एक कजन है मोना, वो सारे बॉलीवुड स्टार्स के लिए साड़ी डिजाइन करती है, उसी ने बनाई है ये। अनिया, इट्स एन एक्सक्लूसिव डिजाइनर पीस। ओ कैन आई से समथिंग? या, आई होप यू डोंट माइंड, बट तुम्हें नहीं लगता ये डिनर किसी फाइव स्टार होटल में हो सकता है? मतलब हम दोनों की स्टेटस को सूट कर सके। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, वहां गए खाना ऑर्डर कर दिया, दैट्स इट। यहां इस गंदी सी चौल में पंडाल लगाकर, आई मीन इट्स सो चीप। या एक्चुअली मैंने अपनी सासू माँ से कहा था,
लेकिन उनका कहना है कि इंडिया में घर में दामाद को बुलाया जाता है, बहुओं के हाथ का खाना खिलाया जाता है। अगो भाई, अपन इथे आहात का? वाह, वहां तुम्हारी सास काम कर रही है और तुम दोनों यहाँ गप्पे हाक रहे हैं। जा, अपनी सास का हाथ बटाओ। जी, अब नहीं नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। किन्नरी बेटा, तू भी जा, जा उसका हाथ बटा। अरे अपना ही घर समझ इसे। क्या होता है, घर का काम करने से पुण्य बढ़ता है। अभी देख, हम इतने सालों से कनाडा में रह के इंडिया में आ गए, फिर भी हमने हमारी संस्कृति छोड़ी नहीं बेटा। मतलब खाना पकाने से लेके बर्तन मांजने तक हम सब काम करते आए हैं, तो तू भी काम करना सीख। क्या बेटा, जा। ठीक है, चलो।